झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व सियासी गलियारे में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं का एक दूसरी पार्टी में छलांग लगाना जारी है। ऐसे में विपक्ष में रह रहे झारखंड विकास मोर्चा के सर पर भी खतरे के बादल साफ देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन अंदरूनी मामला ये किसी से छुपा नहीं है। इन राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त उथल पुथल और नाराजगी का दौर भी चल रहा है, जिसका सीधा नजारा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला है, जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता सहित सिख समुदाय के अगुआ और सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पार्टी का दामन थामे हैं। बड़ी संख्या में जो आए हैं उन सभी का भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज अपने इस झारखंड में और देश में भारतीय जनता पार्टी का दोनों जगह बहुमत की सरकार है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है। तथ्यहीन, मुद्दा विहीन, लक्ष्य विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति का समय खत्म हो चुका है, और माननीय नरेंद्र मोदी ने जो एक बड़ी लकीर खींची है, किसी बात का पैमाना क्या होता है। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और फिर जब 2019 के चुनाव हुए तो 2014 से ही बेहतर परिणाम आए, तो कहीं ना कहीं देश की जनता उनके साथ है। देश की जन आकांक्षाओं पे, जन भावनाओं पे कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े उतरे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो ये नारा दिए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जब एक देश के प्रधानमंत्री विश्वास की बात करके लोगों को दावत दे रहे हैं, तो मैं ये समझा कि नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग भी दूर क्यों रहें। अगर एक तरफ से दोस्ती के हाथ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम भी अपना हाथ बढ़ाएं और विश्वास से विश्वास मिलकर भारत का विकास, झारखंड का विकास हो, इसी दृष्टि से हम करते हैं। राजनैतिक भविष्य को देखते हुए भाजपा में नहीं आया हूँ। मुझे न कोई इलेक्शन लड़ना है, न मैं कहीं पर भी कैंडिडेट हूँ। मैं सिर्फ भाजपा में एक चीज़ के लिए आया हूँ कि मैंने पहले भी भाजपा में रह के जन कल्याण के बहुत कार्य किए हैं, और अब की बार भी मैं भाजपा में जो आया हूँ जन कल्याण के कार्य करूँगा। रांची से मुइजुद्दीन मुकेश राणा की रिपोर्ट।